गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वर्कशीट नंबर 17 एंड दिस वर्कशीट फॉर 13th of August 2021। सो डियर स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर जिसे हरों का परिमेयकरण कहते हैं। तो चिल्ड्रेन लेट अस डिस्कस अबाउट द रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर ऑफ द रियल नंबर ऑफ द टाइप 1/a + b का अंडर रूट वाई एंड 1/a√x + √y वेयर x एंड y आर द नेचुरल नंबर एंड a एंड b आर इंटीजर। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है, जो कि बेहद ही आसान है। वी विल डिस्कस और इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगा a + b a - b का, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको मैं बना के ही आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये 1/√3 है + √2 है, तो इसको जो है इसका साइन प्लस है ना, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस हो जाएगा तो ये 1 से इस सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ये रह जाएगा। अब ये a + b है और a - b है, तो a + b a - b का a² - b² तो 2√3 का स्क्वायर हो गया -√2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 2√3 का या 2 जाए ये 4 हो जाएगा और इंटू 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर अंडर रूट में तो 3 हो जाएगा, यानी √9 होगा, तो 9 का हमें √3 होगा, तो 4 3 12 हो गया, ये 12 हो गया। 2 का √2 का जो है ना निकालेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, तो 12 में से 2 गया तो 10 हो गया, और ये एज इट इज ये जो ऊपर है ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस है जिसको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बताया गया, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं डियर स्टूडेंट जो कि नेक्स्ट है, वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट द इरेशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर इनटू इरेशनल नंबर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेशनलाइजिंग। हमने सीखा जो कैसे इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन कहलाता है। वी कैन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हम रेशनलाइजेशन कर सकते ऑफ द रियल नंबर का जो कि ये टाइप है, ठीक है। फॉर चूजिंग द आइडेंटिटी a² a + b और a - b, जहाँ a² - b² होता है, और रेशनलाइजिंग √x + √y, द रेशनलाइजिंग फैक्टर इज √x - √y एंड द रेशनलाइजिंग √x - √y एंड रेशनलाइजिंग फैक्टर √x + √y, ठीक है। तो चलिए इसमें बेहद ही आसान से वर्कशीट है ये आज का, इसे सॉल्व करते एक एक करके और इसे देखते हैं जो ये क्या है, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन गिवन है तो यहाँ पे आपको क्या करना क्या है, ठीक है। देखिए इस पर आपको सीधा सीधा यहाँ पे आपको क्या लिख देना है डियर स्टूडेंट, ये इनटू लिख देना, ठीक है, यहाँ पे इनटू लिख देना, फिर ये आपको √5 - √3 कर देना, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया, √5 + √3 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, अब 1 से इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा, ये √5 - √3 अपॉन में a - b और a - यहाँ पे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, एक सेकेंड, यहाँ पे आप माइनस लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे −√3। तो ये क्या हो गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 √3 अपॉन में 5 5 जा 25, तो √25, तो ये 5 हो जाएगा, a² यानी 5 का √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और −√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a + b और a - b हमने अभी भी बताया था, a + b और a - b क्या होता है, a² - b² तो हमने a² और -b² तो ये देखिए ये ऊपर वाला एज इट इज रह जाएगा √5 - √3, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, √5 का 5 हो जाएगा, ठीक है, और −√3 का 3 हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया था 2, तो ये √5 - √3 अपॉन में ये 2 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला का आपका ये आंसर रहा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी बहुत आसान है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 7 + √3 कर दीजिए, ठीक है। तो इसको करना क्या है, अब ये देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 और 35 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, √3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5√3। तो चलिए इसका क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देखते हैं, इसको और इसको अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसे देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा ये सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आसान सा सॉल्यूशन है जिसको मैंने अभी समझा भी दिया है, राइट। तो ये आपका आंसर है। अब इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था जो कि बेहद ही आसान है, ये आपका 5 अपॉन में क्या है, √7 - √3 है, ठीक है।
तो इसको सीधा सा हमने मल्टीप्लाई का साइन कर दिया, ये माइनस है तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा तो फिर एज इट इज हमने कर दिया। और इसको 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस सभी को, ठीक है, तो 5 × 7 प्लस में √3, तो इसमें जो फार्मूला लगेगा ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर जब हम करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये हमारा 49 हो जाएगा, ठीक है। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9, और √9 का वर्गमूल हमारा 3 हो जाता है, जो कि हमने ये 3 यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो ये 35 प्लस 5√3 हो जाता है। इसके बाद ये हमारा 35 प्लस 5√3 ये हमारा और अपॉन में 46 आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि बेहद ही आसान सा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम देख लेते हैं। 3 अपॉन में 2 प्लस √5 × 2 − √5 अपॉन में 2 − √6, यानी ये प्लस है तो हमने यहाँ ले जाना है तो माइनस कर देना है, साइन हमें चेंज कर देना है, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है, या और −√5 हो जाएगा। अब ये −√5 हो जाएगा और ये आपको दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 2 का तो यहाँ हम 3 × 2 − √5 और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √5 का स्क्वायर √25 होता है, लेकिन इसका जो स्क्वायर रूट होता है हमारा 5 हो जाता है, राइट। अब इसको आप 5 कर देंगे तो ये 6 − 3√5 हो जाएगा और 4 − 5 हो जाएगा, तो इसमें जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3√5 − 6, और ये माइनस ये बच जाएगा क्योंकि 4 में से −5 नहीं जा सकता, तो −1 बच जाएगा, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 3√5 − 6/1, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो ये आपका फाइनली आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4th है, जो कि लास्ट है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए 1/2√5 − √3 है, ठीक है, तो 1/2√5 − √3 है, इसका साइन हम कन्वर्ट कर देते, तो ये माइनस है तो एज इट इज हम यहाँ इसको प्लस कर देते, ठीक है, तो 2√5 + √3 हो जाता, ये अपॉन में इसी को एज इट इज लिखेंगे 2√5 + √3। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस सभी को, ठीक है, और इसको a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी मैंने फार्मूला बताया है, ठीक है, आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 + √3 और ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी में जब देखेंगे ये 2√5 का स्क्वायर होगा और ये √3 का स्क्वायर होगा, तो ये एज इट इज ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर 25 का रूट अगर करेंगे तो वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा, तो जो कि हमने यहाँ 20 लिखा है, ठीक है, और √3 का √9 हो जाएगा, √9 का हम 3 लिखेंगे, जो कि यहाँ पे हमने 3 लिखा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ना एज इट इज जो हमने हमें ये लिखना था उसको हमने लिख लिया, और 20 − 3 हो गया तो 17 हो गया, और ये 17, तो 2√5 + √3/17 ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका इस वीक का वर्कशीट कंप्लीट हो गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर आपको लगता है हेल्पफुल है आपके लिए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।